नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। और जी लेकर आ गए हम लोग हमारा मैच नंबर 2 सुपर 30 लीग चैम्पियनशिप का, जहाँ पे भिड़ रही है क्वेटा और हैम्पशायर। PSL और इंग्लिश T20 टीम्स लीग्स की ये टीमें हैं और मैच नंबर 2 है। ग्रुप बी का ये पहला मैच है, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इस मैच का। तो चलते हैं यहाँ पे हम हमारे स्टेडियम की तरफ। श्रीलंका के कोलंबो में रखा है हमने आज का मैच। हर बार हम लोग रैंडम स्टेडियम सेलेक्ट करते हैं, आज यहाँ पर हम कोलंबो में रखा है ये मैच और तैयार हैं ग्रुप बी के पहले मैच के साथ हम लोग। ये है हालात आज के, बादल आसमान में रहने के चांसेस है, टेम्परेचर थोड़ा सा हाई है, 30 के ऊपर है, बारिश की कोई संभावना नहीं है। देखते हैं क्या होता है आज के मैच में। टॉस का वक्त टेल्स के साथ गए हैं यहाँ पर क्वेटा के कप्तान। निगाहें होंगी कि कौन जीतता है टॉस। लास्ट वाला पिछला मैच हमारा बहुत रोमांचक रहा था आखिरी गेंद तक, और यहाँ पर हैम्पशायर ने जीता है टॉस। बैटिंग का फैसला किया है, आज रन चेज होगा हमारा। दोनों टीमें, पहले हैम्पशायर आपके सामने और ये है हाल क्वेटा की टीम का। आगाज हो चुका है मैच का, एम्पायर्स ऑलरेडी आ चुके हैं पिच में, क्वेटा के प्लेयर्स। उम्मीद करते हैं गेम लैग ना हो आज। यहाँ पर इशारा हो चुका है, हम स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं इसीलिए बिना हेलमेट के आते हुए दोनों ओपनर्स। पहली ओवर एम नवाज ऑलराउंडर लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन, और बस कुछ क्षण मैच की शुरुआत यहाँ पे होने वाली है। और तैयार हैं हम आज के मैच के लिए, पर क्या आप लोग तैयार हैं? टॉस जीता, बैटिंग फर्स्ट। स्पिनर के साथ गए, पिछली बार एक ही रन दिया था शिदाब ने, एक ओवर डाली थी, एक रन दिया था। गलती की है रिजल्ट को, लेकिन कुछ खराब नहीं। कहना मुश्किल इस गेंद पे क्या होगा। और मैच का पहला सिक्स ग्रुप बी का, मैच का ही पहला सिक्स है। नवाज कोशिश कर रहे परफेक्ट रखने की, सफलता नहीं मिली है और वहीं पे बैक टू बैक 2-6। क्वेटा की हालत खराब होती हुई, हल्का सा हिस्सा ग्रीन लाइन को, ऑफसाइड में गेन इनसाइड एज, कीपर का अटेम्प्ट, रन से नहीं रोक पाए, सिंगल एक क्विक लिया है। एक और ओवर स्पिनर्स को देते हुए, विश्वास ज्यादा है कंपेयर टू तेज गेंदबाज। दो ओवर्स पावर प्ले होते हैं तो आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। क्विक, काफी काफी नजदीक से गई है गेंद, एम्पायर ने तो ना कहा, चैलेंज दिया यहाँ, DRS के साथ बढ़ेंगे। थर्ड एम्पायर की तरफ इशारा, TV एम्पायर के पास, वैलिड गेंद, एज की तरफ नजर है, मुझे तो लग रहा है यहाँ होगी एज। जी हल्की फुल्की, लेकिन एज है, इनफ है आउट देने के लिए। और अब एम्पायर के फैसले का इंतजार होगा आउट के साथ। स्पॉट पर नजर करते हैं तो यहाँ पर भी काफी काफी बड़ी लग रही है एज, यहाँ पे तो काफ़ी बड़ी लग रही है। स्निकोमीटर में तो हल्की लग रही थी, लेकिन यहाँ बहुत बड़ी है। रिव्यू रिटेन किया जाएगा और साथ ही साथ आउट भी दिया जाएगा। और पहला विकेट यहाँ हैम्पशायर खोता हुआ, स्पिनर्स को दूसरी ओवर देना सफल साबित होता हुआ क्वेटा के लिए। यहाँ रसो आउट हुए हैं हैम्पशायर की तरफ से। नए खिलाड़ी जे विंस, राइट हैंड बैट्समैन। पिछली गेंद पर विकेट एक चमत्कार ही थी और यहाँ पर डॉट, बढ़िया। ऑन पेपर परफेक्ट गेंद है और बढ़िया डॉट, बैक टू बैक 3। कॉलिन मुनरो जबरदस्त फॉर्म में, 5 में 13 बना चुके हैं, लेकिन शॉट कुछ खास नहीं। एक और डॉट, पिछले मैच में दूसरे में एक रन आया था, यहाँ पर भी एक ही रन आए हैं, वाह। अहमद को बुलाया एक और लेग स्पिनर को देते हुए, तीसरा ओवर लगातार काफी बड़ा रोल प्ले करेगा। ये ओवर अच्छा चला जाता है तो मैं मानता हूँ मैच में आगे निकल जाएगा क्वेटा। और बेहतर गेंद ऑन पेपर एटलीस्ट, और शॉट कुछ खास नहीं, डॉट गेंद। गेंदबाज का कॉन्फिडेंस दिख रहा है उसकी गेंदबाजी में, टीम बढ़ेगी आगे यहाँ पे क्वेटा मैच में पकड़ बनाने के लिए। खराब रही है, परफेक्ट मिस किया है, फायदा उठाएंगे सीधा शॉट और 6 रन के लिए। लगभग 8 या 9 गेंदों बाद आया ये सिक्स। यहाँ पर ब्रेक पड़ता हो इनिंग का, 3 ओवर के बाद जो पड़ता है, दोनों टीमें स्ट्रेटजी बदलती हैं, कुछ कंटिन्यू करती हैं, कुछ। अहमद सहजाद, कभी गेंदबाजी की नहीं इन्होंने, बहुत कम बार मौका मिलता है, आज मिला इनको। बहुत खराब, मेरे ख्याल से इतना खराब टूर्नामेंट में अब गेंद आएगा नहीं। 9 बॉल चला गया, वो भी रेड लाइन के ऊपर, और 6 लगा दिया और झटका दिया यहाँ पे। फ्री हिट मिलेगी अगली गेंद पे, वो और टेंशन की बात है। क्वेटा सोचना होगा अब इसमें क्या गलती कर दी गेंदबाज ने। परफेक्ट रखने की कोशिश है, शॉट गैप में है, लेकिन सिंगल ही मिल रहा है, बढ़िया। फ्री हिट का पूरा फायदा नहीं उठा पाए यहाँ पे। गेंद दिखा तो रहा है ग्रीन लाइन पे, परफेक्ट पे, लेकिन जो शॉट खेला है वो बेहतरीन। एक और सिक्स लगेगा इस बार विंस के बल्ले से, बढ़ाते हुए फील्डर। गेंदबाज थोड़े से पिट रहे हैं यहाँ पे, थोड़े नहीं काफ़ी। जब आप अच्छी गेंद डालते हो तब पिटते हो, वो बहुत ख़राब फीलिंग होती है। यहाँ पे डॉट रही है, अच्छी बात है। पिछली गेंद पे सिंगल निकाला था इस ओवर में, इस बार लेकिन स्ट्रेट शॉट, गैप में, मिड ऑफ में है फील्डर, लॉन्ग ऑफ पे कोई नहीं, चौका आखिरी गेंद पर भी। तेज गेंदबाज को देने पर स्पिनर्स खत्म हो गए हम। ब्रेवो को बुलाया आखिरी ओवर के लिए।
क्या शानदार शुरुआत है, परफेक्ट, एग्जैक्ट परफेक्ट। रन तो आएंगे साथ, दो भी ले सकते हैं क्योंकि काफ़ी डीप में फील्डर, और फील्डर ऊपर आने के बदले वेट किया है गेंद को अपने तक आने के लिए, है ना, मुश्किल इस गेंद पर क्या होगा। लेकिन शॉट फ्लैट जरूर है, चक्का लेके जा रहा है पॉइंट पर से, बैक टू बैक ही होगा इस बार, लेकिन स्लोवर रखी है, फंसाना चाह है बल्लेबाज, कंफ्यूज डिफेंस किया है, यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, 50 के पार ले गए स्कोर को, कोशिश करेंगे 60 के ऊपर ले जाने की, बेहतरीन लाइन, बेहतरीन लेंथ ऊपर से, लेकिन गैप में शॉट, उसका क्या, चौका पड़ गया है, पिछली बार भी पड़ा था, फील्डिंग बदलनी चाहिए मेरे, देखना है 60 के क्रॉस होगा, जी हाँ, अच्छा खासा सिक्स लगाया आखिरी गेंद पे, 64 का एक शानदार स्कोर पहली इनिंग के बाद हैम्पशायर की तरफ से, और ये रन चेज आसान नहीं होने वाला है क्वेटा के लिए, हमारे लिए बहुत दिनों बाद गेम खेल रहे हैं तो डेफिनेटली हाथ बैठा नहीं है उतना। यह है आज की समरी, एक विकेट गंवाया था, 64 बनाए हैं, शकील एक ओवर एक रन एक विकेट, लाजवाब दूसरा ओवर था आज भी कमाल कर रहा है, उसके अलावा किसी और को विकेट में ही मिला नहीं। क्वेटा 65 का पीछे करने उतर रहे हैं, एम्पायर्स आ चुके हैं सेकंड इनिंग की शुरुआत के लिए, हैम्पशायर की टीम, और डेफिनेटली मैं मानता हूँ हैम्पशायर का हाथ ऊपर है इस मैच में, ओपनर्स के रूप में अहमद सैजा, सैन वॉटसन क्वेटा की तरफ से करेंगे आगाज मैच का। गेंदबाजी में राइट आर्म मीडियम फास्ट जी बर्ज को बुलाया गया है, 12-13 का ही रन रेट को टारगेट करेंगे, पहले ही गेंद का पहला ही शॉट लाजवाब चौके से, हमारा फेवरेट शॉट के साथ शुरुआत की है मैच की, इशारा कर रहे हैं बदलाव का फील्डिंग में, इस बार भी ऐसा ही कुछ शॉट लेना चाहे, फिर से चौका, हाउसिंग कराई थी इस बार, फर्क ये था सिर्फ शॉट ना जाए उसका डर है मुझे, अरे पर बल्ले पे लेनी होगी, लेकिन खेलना चाहते हैं शॉट को, लेकिन कैच का कॉल दिया है, आउट भी होंगे, गेम में कैच ड्रॉप ऑप्शन होना चाहिए, विकेट गंवाए, यहाँ खेल रहे थे हम ऑफ साइड से, गई लेग साइड लॉन्ग ऑन की तरफ और विकेट गंवाते हुए, सजाद 5 में 8 बना के आउट, पहला विकेट भी खोता हुआ क्वेटा, कील अगले खिलाड़ी, लेफ्ट हैंड बैट्समैन कन्फ्यूज दिखे बैट्समैन, और वही हुआ है रिजल्ट, बीट होते वॉट राइट आर्म फास्ट मीडियम सेकेंड ओवर के लिए, विकेट के हिस्से को टारगेट कर रहे हैं, कितने सफल होते हैं वो पता लगेगा शॉट के बाद, चौंकता जाता हुआ बॉलर का रिएक्शन ही बता दे रहा है सब कुछ, सर गेंद थोड़ी सी शॉट पे चिल्ला, बल्ले पे नहीं लगी, लेकिन वाइट का इशारा है, बेहतर है हमारे लिए, एडवांस खेलना चाहते हैं, बीट हो रहे हैं, लाइन में नहीं आ पा रहा, पिच खा रही है, लग नहीं रहा है कि हमें बैटिंग पोजिशन चेंज करने की जरूरत है, हाँ सही है, लेट शॉट खेला है लेकिन गैप में खेलने का फायदा मिला है, कैच आउट नहीं होती फील्डर, थोड़ा सा बदला लेकिन शॉट बहुत गलत, वाइड होगी क्या, जी हाँ एक्स्ट्रा रन फिर से दिए हैं, हमसे परिवर्तन, फ्रंट फुट पे खेलना चाह रहे हैं, पैरों पे लग गई, बदकिस्मती, प्रोसेस चांस फिर बदला है, लेकिन इस बार शॉट क्या पहले से बहुत बहुत 24 से पहुँचे हैं ओवर के बाद, पर ओवरऑल खराब रन रेट, इस खेलना तो यहाँ ऑन साइड चाहते हैं, लेकिन जाएगी गेम का अंत में वही पता लग गई है, लॉन्ग ऑन गई है, 4 दे के जाएगी, 28 पे पहुँचते हुए 18 में 17 में चाहिए, इसमें जाना बहुत जरूरी है, लेकिन दो आएंगे, रन फिट रखनी होगी और उसे नहीं रह सकते, डाइव लगाना होगा पूरा, पता नहीं लगा क्योंकि गेम थोड़ी आउट नहीं होंगे, बिल्कुल सही डिसीजन, बिल्कुल स्पॉट खाली है, एडवांस शॉट भी खेला है गैप में, लेकिन रनिंग बहुत लेट, बॉर्डर बहुत लेट, अब आउट ही होंगे, दौड़ा दिया है, वापसी का कोई चांस नहीं और बहुत देरी से आउट होंगे, रनआउट के रूप में एक और विकेट खोता हुआ क्वेटा, सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ जरूर है लेकिन काफ़ी हद तक हमारी गलती थी, रन तेज दौड़ाना था, पहले दौड़ाना था तेज क्या, पहले दौड़ाना था, ये गलती थी, रिजल्ट शकील के रूप में 6 में 14 बना के आउट, रशो को बुलाया गया, एक ब्रूट बैट्समैन और लेफ्ट हैंड भी, इनमें आने की पूरी कोशिश की है वॉटसन ने, आए भी हैं और शॉट भी बेहतर तरीके से लिया है, और चौके के साथ यह 5वां गेंद पूरा होता हुआ, रन्स ओपन किए हैं और बहुत ही बेहतर फायदे में रहे हैं, तो शक था इस शॉट पे लेकिन सफलतापूर्वक खेला है, मजा आ गया, यहाँ बढ़ता हुआ ड्रिंक्स ब्रेक सेकेंड इनिंग का, नज़रें एक दूसरे के ऊपर, स्ट्रेटेजी बदलना चाहेंगी कुछ टीमें, आखिरी 12 गेंदे, यहाँ पर 4th ओवर, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम फास्ट वुड जाते हैं ऑन साइड लॉन्ग ऑन पे, फिर से एक बार हम शहर के खेमे में खुशियों का माहौल, खो दिया क्वेटा ने एक और विकेट, यहाँ पर रशल गोल्डन डक, अमर अकमल आप में से कई लोगों के फेवरेट होंगे शायद, राइट हैंड बैट्समैन, एडवांस लेंगे, लास्ट टाइम रह गई थी गलती, लेकिन दो बैक टू बैक विकेट खोना गेम चेंजिंग मोमेंट हो सकता है यहाँ पे, और खुशी बता रही है गेंदबाज की कि क्या कमाल कर दिया है उन्होंने लंच ब्रेक के बाद,
वॉटसन भी यहाँ पे आउट, एक सेट बैट्समैन का विकेट इस बार क्वेटा ने खोता हुआ। सरफराज अहमद राइट हैंड बैट्समैन, गलती की है, भुगतनी पड़ेगी कंफ्यूज, और उम्मीद है कि चौका लगेगा, लेकिन निराशा, तीसरा विकेट, कहाँ खेलें शॉट यही नहीं समझ में आ रहा, और ऑन साइड खेलना भारी पड़ता हुआ, चौके की ही उम्मीद से खेल रहे थे, यही रीज़न बना है यहाँ विकेट खोने का। उमर अकमल भी आउट, निराश फैंस यहाँ पे, ब्रेवो के ऊपर आया सब कुछ, राइट हैंड बैट्समैन ऑलराउंडर, अभी तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ खेला जाए, किसी तरह से सिंगल लिया है वो भी कह नहीं सकते हो पाएगा कि नहीं लिया है, तो एक सिंगल सेफ है, रिस्क लेना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे। चौका लगा है पर पहले क्यों नहीं लगे ये चौके, 19 रन आखिरी ओवर में करने को आएगा। खुशी तो हो रही है क्वेटा के डगआउट में, लेकिन कह नहीं सकते यहाँ पे क्या होगा आगे। आखिरी ओवर के लिए डॉसन को बुलाया, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर, फील्डिंग में आखिरी कुछ बदलाव करते हुए कप्तान, फील्डर्स खेलेंगे तो हम एडवांस शॉट ही, चौका लगा भी है लेकिन फील्डिंग सेटअप बदलाव करेंगे यहाँ पे कप्तान, तो फिर गेम बदल सकती है। डगआउट हौसला बढ़ाता हुआ, बल्ले पे गेंद को लेना जरूरी है, गैप में भी खेला है, दूसरा चौका यहाँ पे लगता हुआ, लेकिन अभी भी अच्छे खासे 11 रन करने चार गेंदों में, इस शॉट का लगना बहुत जरूरी। दो रन आएगा, कोई नहीं कोई नहीं, दो रन भी खराब नहीं है, एटलीस्ट कुछ ना आने से अच्छा है, तीन का रिस्क मान लो मैं लेता हूँ अगर, नहीं ऑप्शन नहीं है, एक चौका लगना बहुत जरूरी और वो यहाँ पे लगा दिया है, दो गेंदें 5 रन, दो रन और सिंगल डबल के लिए नहीं खेलूंगा मैं, सीधी सी बात है यार इस गेम में नहीं ले सकते आप 3 रन, फिर से इशारा हुआ है फील्डिंग चेंज का, खेलेंगे तो हम एडवांस ही, और चौका, अभी भी आखिरी गेंद पे मैच ड्रॉ हो सकता है, अभी भी चांसेस हैं ड्रॉ के, क्वेटा के डग आउट काफ़ी खुश, काफ़ी खुश, एक रन करना है बस किसी तरह से, कुछ भी हो जाए मिस मत करना, और यहाँ पे कैच आउट हो गए हैं, लेट शॉट था ये, मैच ड्रॉ होता हुआ, यहाँ पे दोनों टीमें बराबरी पे आके रुकी हैं, गलती हो गई आखिरी गेंद पे, मिस कर दिया शॉट, ये है हाल बैटिंग का, 5 ओवर में 64 पे 6 गेंदबाजी परफॉर्मेंस ये रहा, और मैच जी हाँ ड्रॉ हुआ है, लीग मैच है इसलिए हमारे यहाँ सुपर ओवर नहीं आएगा, दोनों टीमों में बराबरी से बट जाएंगे पॉइंट, किसी ने सोचा नहीं था कि दूसरे मैच का रिजल्ट ये आएगा, पिछली बार भी हमारे ऐसा ही कुछ हो सकता था लेकिन हो नहीं पाया, शॉट मैंने जैसे लेते थे वैसे ही लिया था, बस गेंद थोड़ी सी गुड लेंथ डाल दी थी और पीछे कर दी थी, और उसी का फ़ायदा मिला यहाँ पे, मैंने तो मैच बनते हुए विंस हैम्पशायर की तरफ से, पर पॉइंट बट चुके हैं, बी का मैच यहाँ पे हो रहा है पूरा, और जैसा हमने कहा ड्रॉ के साथ पॉइंट बांटना पड़ा है दोनों टीमों को, रैंकिंग कब आएगी, रैंकिंग हर टीमों में भाई जब एक एक मैच हो जाएंगे सबके तब मैं रैंकिंग लेके आऊँगा, उससे पहले रैंकिंग टेबल आपको नहीं दिखेगा, जो जीत रहा है वो सीधी सी बात है पहले पे आ रहा है, जो बराबरी पे ड्रॉ रह रही है तो फिर भाई वो एक एक पॉइंट बट जा रहे हैं, तो वही ऑर्डर बनेगा 1-2-1-2 कुछ जो भी है जैसा भी है, अभी मैं लूँगा विदा, रखिए आप अपना ध्यान, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सपोर्ट प्यार हमारे वीडियोज़ चैनल पर देते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।